अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज सूजी का हलवा बनने लगा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया। मैंने पानी लिया है मैंने 3 कप, और चीनी मैंने 1 कप लिए, यही वाली चीनी के जो कप है वही पानी के आपने लेने 3 कप। तो ये मैं इसमें चीनी घोलूँगी सबसे पहले, और इसकी चाशनी तैयार हो जाएगी, इसमें उबाला आ जाएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर चाशनी में उबाल आ गया है, तो इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। अब मैंने घी लिया है 1 प्याली, घी इसमें डाल देंगे, घी को मेल्ट करेंगे, और साथ में छोटी इलायची ग्रीन वाली वो डाल देंगे इसके अंदर 4-5। घी मेल्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। घी मेल्ट हो गया है और इलायची का भी रंग चेंज हो गया है, बस इस तरह हल्का सा रंग देना है, जले ना। और जब इलायची का इसमें भंगार लगता है तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और 1 कप सूजी का लिया है मैंने, जितनी सूजी होगी उतनी ही चीनी लेनी है, 1 कप सूजी है तो 1 कप ही चीनी लेनी है आपने, और पानी उससे डबल तिबल कर लेना है, यानी कि 2 कप या 3 कप पानी, कोई मसला नहीं। तो इसको भुनाई करेंगे हम, इस तरह भुनाई करते जाएँ। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। इसकी भुनाई करते रहना है, इसको चमचा चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना वरना सूजी जल जाएगी सारी। इसमें आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा कलर हम और देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर आ गया है, इसका और कलर देंगे क्योंकि पानी डालने से रंग कम हो जाता है इसका। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। हमें चाहिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। और देखें कितना हल्का रंग आया है, अभी थोड़ा सा और कलर दूंगी इसको मैं, क्योंकि पानी डालने से हल्का हो जाता है, थोड़ा सा और कलर देंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त आया है, इसी तरह का रंग होना चाहिए। और इसमें पानी डालेंगे, बड़ी एहतियात से डालना है वरना छींटे उड़ के हाथों पे आती हैं, हाथ जल सकता है। सारा पानी मैं इसमें डाल दूंगी, सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको मिक्स करेंगे। और इसको तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल नहीं बनाना, लो फ्लेम पे बनाना है। और थोड़ी सी किशमिश ली है मैंने 2 टेबल स्पून, वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था 2-3 मिनट के लिए, तो पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, पानी इसका खुश्क हो गया है। तो फ्लेम ऑफ करके मैं इसको दम दे दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, और कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हुआ है हलवा। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। हलवा मैंने डिश आउट कर लिया है, और बादाम लिए हैं मैंने कुछ कटे हुए, तो बादाम इसके ऊपर भी डाल देंगे। इसी तरह बादाम डाल दें, बहुत सारे बादाम डाले मैंने, अगर आपके पास पिस्ते हैं तो वो भी डाल दें। ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये हलवा किस तरह बना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक करने के बटन को क्लिक कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।